हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। हजरात, ये तड़पती हुई सांसें, ये मचलते हुए वजूद, ये ख्यालात की खनकियां इस वक्त मुस्कुराहट के बाजार में है। लेकिन ठहर जाएं, बहुत अच्छा पढ़ा है मेरे भाई और बहुत देर तक पढ़ा है और बहुत देर तक पढ़ सकते हैं और हम इनसे और बहुत देर तक सुनना भी चाहते हैं। लेकिन हमारे पास अभी एक शायर के लिए वक्त की गुंजाइश है, उसके बाद अगर आप बैठे रहेंगे तो जरूर भाई मोहतरम मुमताज टांडवी आपके हवाले हो जाएंगे। मैं ये सोच रहा था कि आए थे दिल की प्यास बुझाने के वास्ते, ये दिल में और आग लगा कर चले गए। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये मुशायरा जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर हो रहा हो। साहिबे उर्स इस मुशायरे में दूल्हा बनकर के मौजूद हो और अपने चाहने वालों को खिराज पेश कर रहे हों। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात का, जो जहां है वहीं पर बैठा रहे, अपनी सांसों को रोक ले और देखे हिंदुस्तान का वो लहजा जो तकरीबन 20 साल से मैंने उसे 6 साल की उम्र में नात पढ़ते हुए देखा। 6 साल की उम्र से अल्हम्दुलिल्लाह। और फरमा रहे अल्लामा मशायदी साहब जुमला कि आप इनको साथ लेके आए थे। अब ये जुमला कहा है तो 18 साल के पहले की एक दास्तान पढ़ दूं। हम लोग यहाँ पर जोहर की नमाज के पहले आए थे, गर्मी के दिन थे, जोहर की नमाज के पहले आए थे और उस जी बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करें कि इस वक्त मेरे दोस्तों ने मौना इलियास कादरी के गले में जो हार डाला है, इनके गले में मैं वो हार देखना चाहता हूं जो हार हमारे गले में बहुत पहले पड़ चुका है। अगर आप लोग समझ गए हैं तो दिल से आमीन कह दीजिए भाई। इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं, इंशाल्लाह सुन्नत इब्राहिमी के मौके पर ना आ सका लेकिन सुन्नत रसूल के मौके में जरूर आऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत ही मेहनत करने वाला, बहुत ही जफाकश, बहुत ही मुखलिस, बहुत ही मुशफिक और बहुत ही दूरंदेश, इखलास और लिल्लाहियत का मुजस्समा लमा कादरी साहब तुम्हारा यहाँ पर मौजूद है। उनकी ये मेहनत थी कि गौस पाक के बार बार के सदके में इस महफिल को मैंने आज मकबूल महफिल में तब्दील होते हुए देखा। भाई मुमताज कादरी की कामयाबी की अलामत ये नहीं कि उनका लिबास बहुत अच्छा होता है, नफीस लहजे के मालिक हैं और उनके लहजे में जाज़बियत है, नहीं। दिलों में जब गौस पाक की मोहब्बत होती है ना तो वो निखर करके सामने आती है। अभी 4 महीने पहले मेरे घर पे गौस पाक की बारगाह के साहिब सज्जादा के सगे भाई शेख जैद जिलानी आए थे। उन्होंने एक जुमला कहा था कि कोई ये ना कहा करे कि मैं गौस पाक से मोहब्बत करता हूं, कोई ये ना कहा करे कि मैं गौस पाक से मोहब्बत करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे दादा गौस पाक ने कहा है, जब तक मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता कोई मुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता है। रही वालों, सरकार शहीद बाबा के रोजे पर भाई मुमताज कादरी ने अपनी मर्जी से गौस पाक का नाम नहीं लिया, गौस पाक की मर्जी से गौस पाक का नाम लिया। और आपने भी अपने हाथों को उठा के जो लब्बैक किया गौस आजम कहा है, इसमें भी गौस आजम की मर्जी शामिल थी। तो जरा वो काम क्यों ना फिर कर ले जिसमें गौस आजम की मर्जी शामिल हो। जरा फिर अपने हाथों को उठा के बोल दे लब्बैक किया गौस आजम। बगदाद शरीफ में इतने बड़े बड़े मशायख, अगर मैं गिनाऊं तो तकरीबन 100 से ज्यादा बुजुर्गों का नाम मेरी जबान पर आया। मैं बगैर सांस तोड़े हुए भी गिना सकता हूं और बगैर किताब देखे हुए भी। लेकिन गौस पाक के मजार शरीफ के पास एक बुजुर्ग हैं, मैं अपने दोस्तों को ले गया था। मैंने कहा इनकी बारगाह में सलाम करो और फातिहा पढ़ो। बोले ये कौन है? मैंने कहा फातिहा पढ़ने के बाद बताऊंगा। लोगों ने फातिहा पढ़ी, बोले ये कौन बुजुर्ग हैं? मैंने कहा ये वही बुजुर्ग हैं जो गौस पाक के यहाँ चोरी करने आए थे, गौस पाक ने अब्दाल बना के वापस किया है, ख्वाजा कुतुब अल्फी। मैं उनकी मजार शरीफ पर गया, मैंने कहा हुजूर मैं 1 साल से हिंदुस्तान में आपकी मनकबत का शेर पढ़ता हूं, आज आपके दरबार में आके पढ़ रहा हूं। वहां पर मैंने शेर पढ़ा था, मुझे याद आया, तेरा एहसान होगा मुझको तू इतना अगर दे दे, ऐ मेरे दोस्त चोरी करने का मुझको हुनर दे दे, अगर चोरी करूं मौला तो फिर फौरन पकड़ जाऊं,
मगर मुझको किसी महबूबे सुभानी का घर दे दे। अगर चोरी करूं मौला तो फिर फौरन पकड़ जाऊं, मगर मुझको किसी महबूबे सुभानी का घर दे दे। मैं सोच रहा था कि मेरे गौस की बात नहीं हुई, लेकिन मेरे भाई ने मेरे दिल की बात कही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच पर इन्होंने निगाह डाली और गौस पाक नाम लिया। सरकार गौस पाक की बारगाह के हवाले से भाई मुमताज साहब बनाइए जो जी बहुत बहुत भाई ये बताइए, मैं दोबारा तो पढ़ दूंगा, लेकिन जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है क्या वो दोबारा सुभान अल्लाह कहेंगे? इसका मतलब है कि जिस मेरे भाई ने मुझे इनाम दिया वो दोबारा इनाम भी देंगे। नहीं ये मैं भाई एक मिनट मुझे अच्छा लग रहा है मेरे भाई, मैं घर पे आया भाई, मैं पढ़ता हूँ भाई मैं पढ़ता हूँ आपका ये हुक्म है मैं पढ़ता हूँ। देखें ये गौस पाक की बारगाह, किसकी बारगाह है? जोर से बोले गौस। मेरे आला हजरत ने एक शेर कहा है, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा। माँ बहनों के लिए एक नुस्खा देता हूँ और आपके लिए एक नुस्खा। गौस पाक फरमाते हैं कि अपनी बेटियों से कहा करो, इसको याद करेंगे आप इंशाल्लाह। अपनी माँ बहनों को बेटियों को एक नुस्खा बताया करो, गौस पाक ने फरमाया। देखिए गौस पाक फरमाते हैं कि अपनी बच्चियों से कहा करो कि रोजाना कम से कम 100 मरतबा यानी एक तस्बीह मेरी माँ मखदूमा फातिमा का नाम लिया करो, या फातिमा या फातिमा या फातिमा। गौस पाक फरमाते हैं दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें अव्वल आखिर 3 मरतबे या 5 मरतबे, फिर मेरी माँ मेरे आका हुसैन हुसैन की माँ का नाम लिया करें। गौस पाक फरमाते हैं कि जिस घर की बहन बेटियां मेरी माँ फातिमा का नाम रोजाना 100 मरतबे लेगी, अल्लाह उसके किरदार को किरदार फातिमी में तब्दील कर देगा। इसको मेरी बहनें याद कर लें, मैं रहूं ना रहूं, आप रहे कि न रहे, दुआ करें अल्लाह इनकी औलादों को मखदूमा मखदूमा कायनात का सदका अता फरमाए। आपके लिए सरकारे गौसे आजम से किसी ने पूछा, हुजूर मर्दों के लिए क्या हुक्म है? फरमाया उनसे कह दो कि मेरा नाम लिया कर, मेरा नाम लिया कर। अच्छा ऐसा नहीं कि फकीर लोग गरीब लोग गौस पाक को पुकारते हैं। एक बात सुनिए, बड़े बड़े बादशाहों के दिलों में मैंने गौस पाक की मोहब्बत देखी। एक आखिरी बात मुझे करना बैठे बैठे, क्योंकि पता नहीं क्यों लग रहा है कि हम सब खड़े हैं महसूस हो रहा है, और दरबारे गौसे आजम में खड़े हैं ऐसा महसूस हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गौस पाक सरकार की बारगाह में एक बादशाह का नाम आपने सुना होगा, उसका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुना है? उसके नाम पे सुभान अल्लाह कहते हैं, इसका सवाब उनकी रूह को नजर कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई कमेटी वालों, बस एक मिनट में बात खत्म हो जाएगी और फिर भाई ख्वाजा गुलाम सरवर साहब खिदमत तशरीफ लाएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए कुर्दिस्तान में, 4 साल के थे तो इनके बाप का नाम था शाह नजमुद्दीन कादरी। वो इनको लेके गौस पाक की बारगाह में, क्यों? इसलिए वो गौस पाक के मुरीद भी थे और गौस पाक के खलीफा भी थे। एक रवायत के मुताबिक गौस पाक के बेटे के खलीफा थे। बहरहाल चैप्टर क्लोज। गौस पाक की बारगाह में कहा, हुजूर ये मेरा बेटा, दुआ फरमा दे। गौस पाक सरकार ने अय्यूबी को करीब बुलाया, 4 साल का अय्यूबी। भाई बेटे तुम देखो, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूँ, करीब बुलाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 4 साल का था, उसे गौस पाक ने यूं बुला के यूं उठाया। गौस पाक के दाहिने हाथ की उंगलियां अय्यूबी की गर्दन पे थी, यूं उठाया और उनके बाप से कहा गौस पाक ने शाह नजमुद्दीन कादरी से, नजमुद्दीन तेरे बेटे की पेशानी की चमक बता रही है, तेरा बेटा आने वाले वक्तों में बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। यही बच्चा जो जवान हुआ तो फातहे बैतुल मुकद्दस कहलाया, बैतुल मुकद्दस का फातह कहलाया। सुने आखिरी बात, चैप्टर क्लोज हो रहा है, दरवाजा इस नसरी गुफ्तगू का खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है। इंतकाल का आखिरी हफ्ता, यही बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने घर की चटाई पर लेटा हुआ तड़प रहा। कमांडर इन चीफ आया, उसने सलाम किया बादशाह सलामत की बारगाह में, कहा आए बादशाह सलामत, आप बिल्कुल आखिरी हिचकियां ले रहे हैं लेकिन मुझे तकलीफ हो रही है। मजा तो जब आता कि आप बिस्तर पे न मरते, मैदान में
काफिरों की तलवारों से आप शहीद होते, गर्दन आपके जिस्म से अलग होती, आपके नाम पर शहादत का स्टीकर लगता, आप शहीद कहलाए जाते। ये क्या बात है कि पूरी उम्र आपने जिहाद किया है, इंतकाल से आखिरी हफ्ते चटाई पर तड़प रहे हैं मौत के इंतजार में। ये मुझे शूट नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा, इतना सुनना था कि जलाल आ गया जूबी को। उठ के बैठ गए और अपने कमांडर इन चीफ का गिरेबान थाम लिया, ऐसे कहा, सुन तूने ये कैसे कह दिया है कि मेरी गर्दन मेरे जिस्म से अलग हो जाती मैदान में। रुए जमीन पर ऐसी कोई तलवार बनी ही नहीं है जो अय्यूबी की गर्दन को उसके जिस्म से अलग कर सके, इसलिए कि उसकी गर्दन पे गौसे आजम की उंगलियों के निशान मौजूद है। अल्लाह 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 अल्लाह, ये शान है सरकारे, ये शान है सरकारे गौसे आजम की। गौस पाक के नाम के नारे लगाए, जिंदाबाद, हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौस पाक की बारगाह में जाएंगे आप लोग इंशाल्लाह, कह दे सुन ले, याद करके सुन ले, मैं आऊं तो मुझे उठे हुए हाथ नजर आना चाहिए कि मैं गौस पाक के रोजे को देख के आ रहा हूं। इससे कम में कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। दुआ करो इस महफिल में बैठने वालों को सरकार के उर्स के सदके में गौस पाक के रोजे की ज्यारत का दावतनामा मिल जाए। बाबू शेख देख ले, बाबुल मुराद देख ले, बाबुल बरकत देख ले, बाबुल शेख देख ले और बाबुल इज्जत देख ले, बाबुल रहमा देख ले। वो बाबू शेख जिसके बारे में गौस पाक ने फरमाया है, इस गली से जो गुजर जाएगा मैं उसे जहन्नम में नहीं जलने दूंगा। अल्लाह अल्लाह गौस पाक के रोजे की ज़ियारत की दावत अता फरमाए। करबला जाएं, नजफ अशरफ जाएं, बसरा मुसय्यबो मदायन जाएं, फिर मेरे आका के गुलामों की चौखटें देखें। अल्लाह आप वो एक शेर पढ़ता हूँ जो गौस पाक की बारगाह पढ़ता था बस। अय खुशा किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला, कोई न बोले मुझे दिल से पढ़ने दे। अय खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला, मेरी क्या औकात थी आता जो मैं बगदाद को, है मगर मुमकिन की मुझको हुक्म सुल्तानी मिला, है मगर मुमकिन की मुझको हुक्म सुल्तानी मिला, और यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला, यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को। गौस पाक का बड़ा करम है, अभी चार, अरे फिर किसी मौके पर, अभी चार दिन पहले मैंने, पांच दिन पहले गौस पाक सरकार को ख्वाब में देखा, देखा तो कई मरतबे हूँ माशाल्लाह। सरकार गौस आजम की मैंने ज़ियारत की, मुझे गौस पाक सरकार के हाथों को चूमने का शरफ हासिल हुआ। दो दिन तक तो मुझे खुदा की कसम ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गौस पाक सरकार के दस्ते मुकद्दस की जो मुलायमियत थी मेरे हाथों में चली आई। मैं मुट्ठियां बंद किए रहता था दो दिन तक, अजीब सी लगता था, मेरे जिस्म से मेरा हाथ निकल गया, यह हाई नहीं है, इसके होने का मुझे एहसास नहीं होता। गौस पाक सरकार फरमाते हैं कि दिल को हसद और गीबत से पाक कर लो, तुम्हारे दिल में मेरा कयाम हो जाएगा, बस ये काफी है। नमाजों की पाबंदी करो, ठीक है, हराम खाने से बचो, झूठ बोलने से बचो। गौस पाक से किसी ने पूछा आपको इतना बड़ा मनसब स्टेटस कैसे मिला, फरमाते हैं सच बोलने की वजह से। छोटी सी बात, दुआ करो अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ, ये चैप्टर बहुत तवील है, इसकी जुल्फें बड़ी दराज हैं, इसके साए में बैठेंगे तो आप अपने घर का पता भूल जाएंगे। क्यों? असगर गोंडवी ने कहा था, असगर हरीम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, रखना कभी ना पाओ यहां सर लिए। मेरा इमाम कहता है जो सर देकर तेरा सौदा खरीदे, खुदा दे अक्ल वो आकिल है या गौस। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मिजाज है, मैं मुशायरे को बाजारी नहीं बनाता, मुशायरे में लोगों को समेट कर रखता हूँ। अगर मेरे अंदर दमखम होता है तो अल्लाह के वलियों के नाम की बरकतों से उन्हें मुशायरे की असल रूह से करीब करता हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझ पर एहसान किया जिन्होंने शोरा के राग की सूरत में माइक पर आकर नाते मनकबतें पढ़ी है, और उनका एहसान जिन्होंने उनका ताउन सपोर्ट किया।
दिया और आप सबका एहसान है जिन्होंने इस मुशायरे नाद में इतनी देर तक खुद को रखा है। जैसे देर तक आप यहाँ पर बैठे हैं वैसे देर तक नबी की बारगाह में भी बैठे हुए नजर आए। आमीन कह दें। इस पूरी मजलिस का सवाब अल्लाह इस इलाके की कब्रिस्तान के मुर्दों को अता फरमा दे। मेरा भाई मेरा दोस्त और मैं उससे ही नहीं उसके बाप से मोहब्बत करता हूँ ख्वाजा गुलाम सरवर जिसका ताल्लुक उस अजीम शान शेख की बारगाह से है जहां से वो चल के आ रहा है जो सरकार के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल मुकद्दस से है जिन्हें दुनिया इमामुत तारिकीन इमदादुल आरिफीन सरकार मुजाहिद मिल्लत के नाम से याद करती है। कल कुल शरीफ की महफिल थी कौन मुजाहिद मिल्लत रोते थे मुजाहिद मिल्लत किसी ने पूछा रोते क्यों हो तो कहने लगे कि मुझे कोई गौस पाक का रोजा दिखा दे मैं उसके पाखाने को सर पे ढोने को तैयार हूं। भैया कोई मुझे गौस का रोजा दिखा दे। कुर्रही वालों बिल्डिंगें देखी आपकी गुर्बत भी देखी है मोहब्बतें भी देखी है लेकिन मुजाहिद मिल्लत इतने पैसे वाले बुजुर्ग थे कि पूरा उड़ीसा खरीद सकते थे पूरा उड़ीसा जानते वाले कहते थे कोई है जो मुझे गौस का रौजा दिखा दे मैं उसके पखाने को सर पे ढोने को तैयार हूं। गौस पाक की बारगाह में गए एक मतलब वापस आए किसी ने पूछा क्या दिया गौस आजम ने तो झोला खोल करके मिट्टी का बर्तन निकाला बोले इसी बर्तन में गौस पाक के दरबार की चिड़िया पानी पीती थी गौस पाक ने इसी को मुझको दे दिया। ये शान थी गौस पाक के इन लाडलों की। इलाहाबाद में एक साहब थे उनके मुरीद थे मुजाहिद मिल्लत के मिलने के लिए आए तो उनके साथ उनका बेटा भी था। कहा ये कौन है कहा सरकार ये आपका मुरीद है आपका गुलाम है मेरा बेटा है इसका नाम जमीर कादरी है ये आपका गुलाम है जमीर कादरी इसका नाम है। मुजाहिद मिल्लत उठे और आगे बढ़े और उसके पैरों को पकड़ लिया रोने लगे उसके बाप से कहने लगे तुमने ये कैसे कहा कि ये मेरा गुलाम है इसका नाम जमीर कादरी है ये गौस का गुलाम है हबीबुर रहमान इसका गुलाम है। अल्लाह ये शान थी मेरे आका उसी शेख के उर्स से आने वाले इन मुकद्दस जायरीन के कदम की सौगात मेरी सर आंखों पर। मैं गुजारिश करता हूँ अपने भाई जनाब ख्वाजा गुलाम सरवर से रात का इतना हिस्सा गुजर चुका है कि अगर ये सिर्फ सलाम करके बैठ जाएंगे तब भी मेरे मुशायरे की सेहत मुतासर नहीं होगी। लेकिन एक शख्स वादा वफा किया है मुश्किलात का सफर किया है आया है तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे मुमताज कादरी के रूप में देखें और अपने आप को मुमताज कादरी के सामने रखें। बस नाम बदला हुआ है लहजा वही है काम वही है मोहब्बतें वही हैं। नारे तकबीर नारे रिसालत फैजाने सरकार गौसे आदम चरागे शाम है जुल्मत में जगमगाएंगे इन्हें संभाल के रखना ये काम आएंगे। शान रहमत जाने रहमत ये बताएं ईमानदारी के साथ बताएं कि मुझे कितने लोग सुन चुके हैं जरा उठाएं लाइव सुन चुके हैं लाइव कितने लोग सुन चुके हैं बहुत कम ही लोग सुने हैं। अगर आपने मेरा मूड बना दिया तो इंशाल्लाह ताला आपको लगेगा कि अभी 10 बज रहा है और मुशायरा अभी शुरू हुआ है इंशाल्लाह ताला। गुलाम सरवर भाई इसमें 70% लोग तो आपके जाने के बाद पैदा हुए हैं। अल्लाह अकबर 18 साल पहले आप आए माशाल्लाह मैं पढ़ता हूँ मलाजा फरमान है शान रहमत भाई साहब क्या नाम है हजरत का ये जो रईस भाई मैं कभी रिश्ता टूट जाता है कभी धागा टूट जाता है गजब की तंदुरुस्ती है मेरे रईस भैया की वो जिस रिक्शे पे बैठ जाते हैं वो रिक्शा टूट जाता है।
मैं इसलिए कह रहा हूं भाई साहब कि ये सर्दी में अल्हम्दुलिल्लाह अब भी ये जवान है। मैं अपने नौजवान साथियों से गुजारिश करूंगा कि वो शरीक हो जाएं ताकि इनका मूड बन जाए। जाने रहमत जाने रहमत जाने रहमत शाने रहमत या मेना काला रहमत जाने रहमत जाने रहमत शाने रहमत आमीना का लाल है। जाने रहमत शाने रहमत आमीना का लाल है। मुड़ बना दे साहब पूरा बजमा शरीक हो जाए। जाने रहमत शाने रहमत आमीना का लाल है। सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमीना का लाल का लाल है। सारी दुनिया की जरूरत आमीना का लाल है। शाने रहमत जाने रहमत आमीना का लाल है। सारी दुनिया की जरूरत आमीना का लाल है। अब इंशाल्लाह ताला आसिफ भाई वही नौजवान आखिरी मिसरे को सुन करके खड़ा होकर के नारा लगाएगा। वही नौजवान इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पूरा मजमा नबी का दीवाना है। अगर वो नबी से सच्ची मोहब्बत करता है तो इंशाल्लाह ताला पूरा मजमा आखिरी मिसरे को सुन करके खड़ा होकर के इस्तकबाल करेगा। मलादा फरमाए शान ए रहमत जाने रहमत आमीना का लाल है। सारी दुनिया की जरूरत आमीना का लाल है। जी गोद में ले करके गोद में लेकर के आका को हलीमा ने कहा। गोद में लेकर के आका को हलीमा ने कहा। गोद में लेकर के आका को हलीमा ने कहा। क्या चांद से भी खूबसूरत आमीना का नारे तकबीर नारे रिसालत ख्वाजा गुलाम सरवर साहब ख्वाजा गुलाम नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत नारे तकबीर नारे रिसालत। आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। इस वक्त आपने जो मोहब्बतें मुझे मिली है अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत खुशी हासिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मोहब्बतों को मैं एहतराम करता हूँ। मौलादा फरमाए शाने रहमत जाने रहमत आमीना का लाल है। सारी दुनिया की जरूरत आमीना का लाल है। गोद में लेकर के आका को हलीमा ने कहा। गोद में लेकर के आका को हलीमा ने कहा। जी चांद से भी खूबसूरत आमीना का लाल है। एक शेर और आपके खूबसूरत बाज़ौक़ समाअत के हवाले करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर जिंदगी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं वो चार में से वो खूबसूरत तोहफा आपके हवाले करूंगा जो मैं सोच करके उड़ीसा से चला हूँ। मलादा फरमाए चांद से भी खूबसूरत आमीना का लाल है। तेरी गुरबत को मिटा देगा ये कुछ ही वक्त। तेरी गुरबत को मिटा देगा ये कुछ ही वक्त में।
तेरे गुर्बत को मिटा देगा ये कुछ ही वक्त में, तेरे गुर्बत को मिटा देगा ये कुछ ही वक्त में, अज तेरी गुर्बत को को मिटा दे का ये कुछ ही वक्त में, तेरी गुर्बत को मिटा दे का ये कुछ ही वक्त में। ए हलीमा ए हलीमा ए हलीमा तेरी किस्मत आमेना काला, वाह 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 तेरी किस्मत आमेना काला, ए हलीमा तेरी किस्मत आमेना का लाल है, ए हलीमा ए हलीमा ए हलीमा ए हलीमा चांद से भी चांद से भी खूबसूरत आमेना का लाल है, चांद से भी खूबसूरत आमेना का लाल है, ऐ हलीमा तेरी किस्मत आमेना का लाल है। ऐ हलीमा ऐ हलीमा तेरी किस्मत आमेना का लाल है। इंशाअल्लाह ताला एक और पाकीज़ा शेर आपके हवाले करता हूँ, मौलाना फरमाए, कहते थे अय्यूब अंसारी नबी को देख कर, दरबारे उज़ूर मुजाहिदे मिल्लत का अदना गुलाम आपके दियार में हाजिर है, सिर्फ इस शेर में मोहब्बतें चाहता हूँ, मौलाना फरमाए, कहते थे अय्यूब अंसारी कहते थे अय्यूब अंसारी नबी को देख कर, कहते थे अय्यूब अंसारी नबी को देख कर, शेर को समझ कर डाल देते हैं तो सुने शेर, कहते थे अय्यूब अंसारी नबी को देख कर, कहते थे अय्यूब अंसारी नबी को देख कर, कहते थे अय्यूब अंसारी नबी को देख करे, जी कहते थे अय्यूब कहते थे अय्यूब अंसारी नबी को देख करी, कहते थे अय्यूब अंसारी नबी को देख करी, अज मेरे घर की ज़ेब व ज़ीनत आमेना, मेरे घर मेरे घर की ज़ेब व ज़ीनत आमेना का लाल है। अल्लाह चचा को सलामत रखे भाई, इनसे सीखे साहब। मेरे भाई अगर आपके पास टोपी नहीं है तो रुमाल रख लो, मेरे दोस्त आप ही को बोल रहा हूँ जो लाल जैकेट में है, मेरे भाई टोपी या रुमाल किसी से उधारी में ले लो यार, जरा पूरा अजमा मुस्कुरा के कह दे या रसूल अल्लाह। अगर आप लोग थके नहीं है तो एक बार पूरा अजमा हाथों को उठा के कह दे या हुसैन, पूरा बजमा दोनों हाथों को उठाए कह दे या हुसैन। इकराम के हुक्म पे इनकी बारगाह में वो चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, जिस चार मिसरे के बुनियाद पे, जिस चार मिसरे के फैज को लूटते हुए फैज लेते हुए मैं हिंदुस्तान में पहचाना जाता हूँ, बुलाया जाता हूँ, वो चार मिसरे में आपके हवाले करता हूँ, कुर्रई के खूबसूरत समाते के हवाले करता हूँ। दीवाने आला हजरत तमाम लोग बैठे हैं, इंशाल्लाह ताला आखिरी मिसरे में आपकी दुआएं चाहता हूं, आपकी मैं सपोर्ट चाहता हूं, मुलाजा फरमाएं।
हैदर हैदर। इंशाल्लाह ताला इस चार मिसरे में आपने जिंदगी दे दिया तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ताजा तरीन चार मिसरे है और आपके हवाले करूंगा। मलाजा फरमाए हैदर हैदर अली अली अरे मौला मौला बोल। फतवों के इन बस्ती में कुर्रेगी का बच्चा बच्चा आला हजरत बोलेगा। वाह 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 वाह। कोई मजमे से दीवाना आला हजरत नारा लगा दे। बेटा पहले बड़े हो जाओ। माशाल्लाह जिंदाबाद। असल में बहुत देर से सुन रहे हैं लोग तो थक चुके हैं। माशाल्लाह जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आइए। सुभान माशाअल्लाह। तो फिर भाई एक मिनट। अल्लाह अकबर। 500 मिनट दे दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी अमीनाबाद लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9305328319।